गुड मॉर्निंग क्लासिक्स, टुडे इज़ द डे 37 ऑफ ऑनलाइन क्लासेज एंड द डेट इज़ 30 May 2020. आई एम टू टीच यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन यूनिट फर्स्ट साइंस एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज़ फूड फॉर प्लांट्स. बट बिफोर दैट हैव अ शॉर्ट एंड क्विक रिकैप अबाउट सीड्स. कल हम लोगों ने सीड्स यानी बीज के बारे में क्या पढ़ा था कि सीड्स जो होते हैं प्लांट के वो अच्छे स्रोत होते हैं भोजन के. किन के लिए? तो ना ही सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों के लिए भी. क्योंकि सीड्स में, बीजों में क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी पोषक तत्व पाया जाता है जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब बता रहा है कि हम लोग जितने प्रकार के भोजन को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसमें मेजोरिटी जो है, मतलब ज़्यादातर फूड जो है, भोजन जो है वो क्या है, सीड बेस्ड है. मतलब सीड से मतलब बीज से, बीज का ही पार्ट है, ठीक है. अब बता रहा है कि इडेबल सीड जो है, मतलब इडेबल बोलते हैं खाने योग्य, तो इडेबल सीड जो है वो सीरियल्स में उनका क्या एग्जांपल है, अनाज में, तो मकई हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है. लेग्यूम्स यानी दलहन के पौधे, यानी जितना भी दाल का पौधा है, जैसे बीन हो गया, मटर हो गया, अरहर का दाल हो गया, एंड नट्स. और जो ड्राई फ्रूट्स में जो नट्स वगैरह आता है वो भी सीड्स के ही कैटेगरी में आते हैं. सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज फ्लावर, रैपसिड एंड सेम सीजम्स आर ऑफन यूज टू प्रोड्यूस रिचुअल्स. अच्छा, हम लोग को पता है कि जो सनफ्लावर ऑयल होता है, सीजम या रैपसिड ऑयल जो होता है, वो सब क्या होता है, प्लांट के सीड से निकलता है, ठीक है. चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, फूड फॉर प्लांट्स. डू यू नो वाई अ प्लांट स्टोर फूड इन इट्स सीड्स. कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि क्यों एक पौधा भोजन को स्टोर करता है, जमा करता है अपने सीड में, अपने बीज में. इट डज सो फॉर द बेबी प्लांट प्रेजेंट इन द सीड. ये इसलिए करता है क्योंकि उस सीड में, उस बीज में एक छोटा सा बेबी प्लांट मौजूद होता है, ठीक है. अब समझ में आ गया होगा कि क्यों एक प्लांट, एक पौधा स्टोर करता है, जमा करता है फूड, भोजन अपने सीड में, अपने बीज में. इसलिए क्योंकि बेबी प्लांट के लिए वो करता है. व्हेन द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, जब बेबी प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है, इट यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द सीड अंटिल इट कैन मेक इट्स ओन फूड. जब बेबी प्लांट छोटा रहता है तो क्या करता है, यही स्टोर फूड से अपना भोजन प्राप्त करता है, तब तक जब तक वो खुद से भोजन बनाने के लायक नहीं हो जाए. खुद से भोजन बनाने के लायक मतलब फोटोसिंथेसिस के लायक. द फूड इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलीडन्स. अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि सीड जो होता है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग सीड कोट होता है. सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसी भी सीड को फ्रॉम बींग डैमेज, प्रोटेक्शन देता है, उसको डैमेज होने से बचाता है, ठीक है. और इसी सीड कोट के अंदर एक थिक सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कोटिलीडन के नाम से जाना जाता है. और हम लोग पढ़ चुके थे कि कोटिलीडन जो है वो क्या करता है, द फूड इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलीडन्स. फूड जो है, भोजन जो है, वो बेबी प्लांट के लिए क्या चीज़ में स्टोर्ड होता है, तो सीड लीव्स में, जिसको कोटिलीडन्स के नाम से हम लोग जानते हैं. द बेबी प्लांट रेस्ट इन द सीड टिल इट गेट्स ऑल द नेसेसरी कंडीशन टू स्टार्ट ग्रोइंग. कह रहा है कि जो बेबी प्लांट होता है, जो नन्हा सा पौधा होता है, वो रेस्ट करता है, आराम की अवस्था में होता है सीड में, बीज में, तब तक जब तक इसको एडिक्वेट और नेसेसरी कंडीशन नहीं मिलता है कि ये ग्रो कर सके. फिर समझिए कि बेबी प्लांट जो होता है तब तक आराम की अवस्था में रहता है, तब तक इनएक्टिव रहता है, तब तक रेस्ट करता है सीड में, बीज में, जब तक इसको सारा नेसेसरी कंडीशन, ज़रूरी जो कंडीशन है, नहीं मिल जाए इसके ग्रोइंग के लिए. अब ज़रूरी कंडीशन क्या था, हम लोग पढ़े थे ना कि सही से हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब उसका नेसेसरी कंडीशन था. चलिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पे दो टर्म को हाईलाइट किया है, जैसे कोटिलीडन को किया था वैसे ही जर्मिनेशन और सीडलिंग को. द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. बता रहा है कि जर्मिनेशन यानी अंकुरित होना किसको कहा जाता है, तो जो बेबी प्लांट का ग्रोथ है, यानी छोटा सा नन्हा सा जो पौधा है उसका जो ग्रोथ है सीड से, उसको जर्मिनेशन कहते हैं.
मतलब एक बीज से जो बेबी प्लांट का ग्रोथ होता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को। अ यंग ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। एक जो यंग ग्रोइंग प्लांट होता है मतलब जो नवजात ग्रोइंग प्लांट होता है उसको सीडलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ज़रा फिगर देख लीजिए, फिगर है 1.17, इसमें ग्रेन्स अनाज वगैरह का दिया हुआ है, दाल का जो वैरायटी है वो इसमें शो कर रहा है। चलिए बता रहा है, लेट्स ऑब्जर्व व्हाट द नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। अब हम लोग को देखना है कि जर्मिनेशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो कह रहा है कि पुट सम कॉटन वूल इन 4 डिशेस। अब कह रहा है कि कॉटन का जो वूल होता है, ठीक है, उसको 4 डिशेस में रखिए। कॉटन का जो ऊन होता है, प्लेस 3-4 बीन सीड्स इन ईच डिश। सारे चारों डिश में 3 से 4 बीन का जो सीड आता है, बीन का जो बीज आता है उसको रखिए। कीप द डिशेज एज फॉलोज। अब डिश जो है उसको नाम दे दीजिए, एक को डिश ए, डिश बी, डिश सी और डिश डी, ठीक है। अब डिश ए जो है, वेट द कॉटन, कीप इट मॉइस्ट बाई एडिंग वाटर, इफ इट ड्राइज एंड प्लेस द डिश इन अ वार्म प्लेस सच एज अ किचन। डिश ए वाले में क्या करना है कि कॉटन को भिगा देना है और इसमें पानी डालते रहना है। अगर ये ड्राई हो जाए, अगर किसी ड्राई जगह पे है ये, तो इसको वार्म जगह पे ले जाइए जैसे कि किचन में। अब डिश बी के साथ क्या करना है, वेट द कॉटन, कॉटन जो है उसको यहाँ पे भी भिगाना है। कीप इट मॉइस्ट बाई एडिंग वाटर, इफ़ इट ड्राइज एंड प्लेस द डिश इन अ कोल्ड प्लेस सच एज फ्रिज। डिश में हम लोगों ने क्या किया था, कॉटन को वेट किया था और इसको ड्राई प्लेस पे है तो इसको हम लोग किचन में गर्म प्लेस पे रख दे रहे थे। डिश बी में क्या है, कॉटन को वेट कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं और अगर इस ड्राई प्लेस पे है तो इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में ले जाकर रख दे रहे हैं। पहले हम लोगों ने गर्म डिश ए को रखा गर्म जगह पे और डिश बी को हम लोगों ने ठंडे जगह यानी रेफ्रिजरेटर में रखा। अब डिश सी जो है, डू नॉट वेट द कॉटन। अब डिश सी वाला जो है उसको वेट नहीं करना है, कीप द डिश इन अ वार्म प्लेस, बिना भिगाए उसको गर्म जगह पे रख देना। अब डिश डी जो है, एड इनफ वाटर टू कवर द सीड, कीप द डिश इन अ वार्म प्लेस। अब डिश डी में क्या करना है, इतना पानी डाल देना है कि पूरा सीड जो है वो कवर हो जाए, पूरी तरीके से पानी से वो ढक जाए, ठीक है, और सीड जो है उसको वार्म प्लेस पे रख देना, गर्म प्लेस। डिस्कस व्हाट यू ऑब्जर्व इन 4 डिशेस। कह रहा है कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि चारों डिशेज में आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ सीड्स एंड वाटर इन द जर्मिनेशन ऑफ अ प्लांट। कह रहा है कि क्या लगता है कि क्या रोल है सीड का, बीज का, बीज में पानी का कि प्लांट जर्मिनेट हो जाए। व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या रोल। गिव रीजन व्हाई सीड डू नॉट जर्मिनेट इन द कोल्ड। व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन द सीड जर्मिनेशन। अच्छा, हम लोगों को पता है, यहाँ पूछ रहा है कि चारों डिश में से कौन सा डिश जो है उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर लिख दिया है कि गिव रीजन वाई सीड डू नॉट जर्मिनेट इन द कोल्ड। मतलब जो कोल्ड में था, जो रेफ्रिजरेटर में था, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा से क्या होगा, जो बीज है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आंसर मिल गया होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ क्विक रिविजन अबाउट फूड फॉर प्लांट्स एंड द न्यू टॉपिक फ्रूट्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल, थैंक यू।